सेकंड चैप्टर क्या कह रहा है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। देखिए हमारे आसपास की बात किया था, अगर हमारे आसपास कह देना तो आप जहां पास हो उसके आसपास में बहुत सारे पदार्थ हैं, और उस पदार्थ के बारे में बोलता है कि क्या वो शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि आपको पदार्थ जानना होगा कि पदार्थ क्या है, व्हाट इज मैटर, इसी को आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। देखिए समझिए पदार्थ क्या होता है, अगर ये बोलूं कि दुनिया का कोई भी चीज ले लो वो पदार्थ है, जो भी यूनिवर्स में आपका मौजूद है वो पदार्थ है, यहाँ तक कि हवा भी आपका पदार्थ है। समझ मारी बात, हवा भी आपका क्या है, एक तरह का पदार्थ ही है। तो आप पदार्थ को डिफाइन करना चाहो तो वो कह सकते हो कि पदार्थ वह है जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, वह कुछ आयतन है रखता है, और वो कुछ अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, पदार्थ को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि पदार्थ, तो पदार्थ किसको कहेंगे, तो पदार्थ की बात कीजिए तो वह है जिसमें कुछ आयतन हो, दूसरी बात द्रव्यमान हो, वह अवरोध उत्पन्न करता हो, अवरोध अवरोध का मतलब रुकावट होता है, जैसे आप हवा में चलिए, तेज हवा में आप चलिए और जिस हवा में आपका जिस डायरेक्शन में आपकी हवा आ रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप चलिए, देखिए आपको ज्यादा बल लगेगा, मतलब लगाना पड़ेगा जाने में, जैसे साइकिल मान के चलिए कि आप इधर जा रहे हैं, ठीक है, और उधर से हवा चल रही है, तो आप साइकिल चलाइएगा हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, खड़ा होकर चलाने लगेंगे, तो आप सोचो ना कि क्या हवा अवरोध उत्पन्न नहीं कर रही है, हवा अवरोध उत्पन्न कर रही है, तो बताओ ना कि जो अवरोध उत्पन्न करेगा उसको तो पदार्थ बोलेंगे ही बोलेंगे। दूसरी बात है कि जिसमें द्रव्यमान होता, हवा में द्रव्यमान होता है, हवा में द्रव्यमान होता है, ये कहो बहुत कम होता है लेकिन हवा में द्रव्यमान होती है, द्रव्यमान कहने का मतलब भार जिसमें आपका वजन हो और वो आयतन भी घेरता हो, तो जहां कुछ नहीं है वहां हवा है कि नहीं है, तो इसके अंतर्गत अगर आप एग्जांपल में देखिए तो बताओ तो क्या आ जाएगा इसका, एग्जांपल में आपका कुछ भी नाम लीजिए, कलम, हवा, ये सबके सब आपका क्या है, पदार्थ, और इसी पदार्थ के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि क्या हमारे आसपास में जो पदार्थ मौजूद है वो शुद्ध है या नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है, तो क्वेश्चन कर रहा है तो उसको जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए पदार्थ अगर हमारे आसपास में अगर देखा जाए तो एक तरह का पदार्थ नहीं है, और जब पदार्थ एक तरह का नहीं है तो शुद्ध भी हो सकता है, अशुद्ध भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या है और अशुद्ध पदार्थ क्या है। ठीक है, चलिए देखिए आप पदार्थ को डिवाइड कीजिएगा तो दो तरह का हो सकता है, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं, तो शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ है जो एक ही तरह के कण से मिलकर करके बना हो, लेकिन जिसमें बहुत सारे कण भिन्न भिन्न तत्वों का कण मौजूद होता है वो आपका शुद्ध नहीं हो सकता, वो शुद्ध नहीं हो सकता। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ क्या कहता है, तो शुद्ध पदार्थ में आप देखिएगा तो वैसे पदार्थ जिसमें एक ही तरह के कण मौजूद है वो आपका शुद्ध कहलाता है, और वैसी पदार्थ जिसमें अनेकों प्रकार के कण मौजूद है वो आपका अशुद्ध होता है। अब एक चीज और, शुद्ध पदार्थ जो होगा ना उसका निश्चित गलनांक होगा, निश्चित तापमान होगा, मतलब कि उसको आप गलाइएगा तो शुद्ध पदार्थ का जो गलनांक होता है, याद रखना, निश्चित होता है, निश्चित निश्चित गलनांक, याद रखिए निश्चित गलनांक हो गया, और निश्चित क्वथनांक भी होगा इसका, निश्चित क्वथनांक, ठीक है, यहां पर क्वथनांक गलनांक, और भी इसका जो भी चीजें होगी वो आपको एक फिक्स्ड टेम्परेचर पर होगा, और जबकि आप देखिएगा अशुद्ध में, तो अशुद्ध में ऐसा नहीं है, अशुद्ध में किसी भी टेम्परेचर पर गल सकता है, यानी कि जो भी इसका नीचे, जैसे आप देखिए लोहा को पिघलाइए तो उसका एक निश्चित टेम्परेचर होता है, उतना के बाद वो पिघलना शुरू कर देगा, लेकिन इसमें आप अशुद्ध में देखिएगा तो अशुद्ध में ऐसा नहीं होता, काहे नहीं होता वो भी समझिए, जैसे अशुद्ध पदार्थ के लिए भी हमने क्या बोला कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलने से वो बन जाता है, यानी कि अगर मान के चलो कि इसमें डाल दिए आप लोहा को डाल दिए, प्लास्टिक भी मिला दिए, तांबा भी मिला दिए, अब बताओ तो कि तीनों के तीनों क्या लगता है कि एक ही टेम्परेचर पर पिघलता है, प्लास्टिक आप हल्का सा गर्मी दीजिएगा पिघल जाएगा,
लेकिन लोहा पिघलेगा अगर मिश्रण है तो ये तो पिघल जाएगा लेकिन ये नहीं पिघलेगा, तो इसका भिन्न भिन्न टेम्परेचर हो गया, भिन्न भिन्न तापमान हो गया ना पिघलने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि ये एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पास आपको पदार्थ दो भाग में बट गया, शुद्ध और अशुद्ध, और इसे इसको यहाँ लिखोगे तो क्या है, दो या अधिक तत्व किसी भी अनुपात में मिलते हैं तब वो अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिलना वो आपका क्या कहलाता है, अशुद्ध। और शुद्ध और अशुद्ध को भी वर्गीकरण किया जाता है, तो आप शुद्ध को वर्गीकरण कीजिएगा तो दो भाग में पड़ता है, शुद्ध का वर्गीकरण कीजिए आप दो भाग में पड़ जाएगा। शुद्ध में जो होता है तत्व आता है, हर एक यौगिक होता है, तत्व के बारे में आपको पता है कि इसकी एक निश्चित संख्या होती है जो लगभग 120 के आसपास है ना, 120 के आसपास। और औगिक की अगर बात कीजिएगा तो औगिक बहुत मनी है, 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख क्या, बहुत सारा औगिक है। अब औगिक और तत्व में अंतर क्या है समझिए, कि तत्व आपका एकदम प्योर, प्योर तो दोनों का ही है, शुद्ध और सॉरी शुद्ध का ही आपका तत्व और यौगिक दोनों आता है, मतलब कि दोनों के दोनों आपका शुद्ध में आता है, इस आपका गलत मतलब विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलने से नहीं बनता है। अब इसमें क्या होता है समझिए कि तत्व की बात कीजिएगा तो तत्व आप क्या है, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है जिसमें और अलग तरह के कोई कण मौजूद नहीं होता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, तत्व। जैसे में इसके अंतर्गत आप देखिएगा एग्जाम्पल में तो वो आ जाएगा लोहा Fe, कॉपर Cu, Ag, Au, ये सब के सब क्या है, तत्व है। इसमें अगर लोहा है तो लोहा में आप देखिएगा तो लोहा के कण के अलावा किसी और चीज का कण मिलवे नहीं करेगा, और जब नहीं मिलेगा तो उसे क्या बोलेंगे, तत्व, तत्व। और यौगिक की बात कीजिए तो यौगिक क्या है, तो यौगिक में देखिएगा तो यौगिक भी एक शुद्ध रूप ही है, पदार्थ का एक शुद्ध रूप भी रूप ही यौगिक है, लेकिन यौगिक में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या है, तो यौगिक जो होता है वो दो या अधिक प्रकार के तत्वों को मिलने से बनता है, लेकिन वो किसी भी अनुपात में नहीं, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात। और निश्चित अनुपात क्या होता है कि अगर इसका एग्जाम्पल सब समझिए तो इसको पता चलेगा। जैसे हम H2O ले लेते हैं, H2O, तो H2O में देखिएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन आपका दो है और ऑक्सीजन का एक अणु भाग ले रहा है, बताइए है। तो इसमें अगर इसमें कुछ भी आप चेंज करते हैं तो वो आपका जल नहीं होगा, दूसरा चीज बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में और समझ सकते हैं, CO2 यहाँ पास देखिएगा तो कार्बन का है एक है और ऑक्सीजन का एगो है, ऑक्सीजन दो है, तब इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, लेकिन इसी में अगर हम मान के चलो कि एक ऑक्सीजन को कम कर दें, एक ऑक्सीजन को कम कर दें, केवल CO लिख दें, तो बताओ कार्बन सी एक हो गया, वो एक हो गया। अब इसमें अंतर क्या है देखिए, तो खाली इसका अनुपात चेंज किया है, इसका अनुपात यानी कि यहाँ पास अनुपात देखिएगा तो सी अनुपात ओ का जो अनुपात है वो एक अनुपात दो है, एक अनुपात दो है, जबकि इसमें आप देखिएगा तो सी और ओ का अनुपात एक अनुपात एक है। अब इसमें चेंज कुछ किया है, सिर्फ और सिर्फ चेंज किया है इसका अनुपात, और जब अनुपात चेंज किया है तो इसका गुण भी चेंज कर गया है, क्योंकि CO2 गैस और CO गैस में बहुत अंतर है, ये आपका मोनोऑक्साइड है, ये आपके शरीर में जाएगा आपको मार देगा, जबकि CO2 टेंशन नहीं है, मरोगे नहीं, CO2 तो हम लोग खुद ही छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते हैं। तो इन दोनों में अंतर देखिए, जबकि दोनों में तत्व मौजूद कौन सी है, ऑक्सीजन और कार्बन, यहाँ भी आप देखिएगा तो ऑक्सीजन और कार्बन मौजूद है, लेकिन अंतर किसका है, अनुपात का, अंतर किसका है, अनुपात का। तो जब अनुपात का अंतर हो और वो भी अनुपात फिक्स हो तब वैसे यौगिक को क्या बोला, सॉरी वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, यौगिक। वैसे पदार्थ को क्या बोला जाता है, यौगिक। तो यौगिक किसको कहेंगे, तो दो या अधिक प्रकार के तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो बनता है उसे यौगिक कहा जाता है। जबकि ये दोनों के दोनों आपका शुद्ध है, इसके अंतर्गत नीमक आ जाएगा, नीमक NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये भी आपका क्या है, शुद्ध है। देखिए आपके दृष्टिकोण या धार्मिक दृष्टिकोण से नमक को देखिएगा तो लोग शुद्ध नहीं मानता है, मानता है नहीं, लेकिन दूध को शुद्ध मानता है, लेकिन हकीकत है कि दूध शुद्ध नहीं है, वो अलग बात है कि वो आपको फायदा करता है। साइंस के अनुसार देखिएगा तो दूध कैसा पदार्थ है, अशुद्ध। और क्यों अशुद्ध है, याद कीजिए कि दूध में लगभग हर एक तरह का विटामिन आपको मिल जाएगा, हर एक तरह का पोषक तत्व मिल जाएगा, तो अगर हर एक तरह का मिल रहा है तो फिर वो शुद्ध का मतलब हर एक तरह का अगर मिल रहा है तो फिर शुद्ध कैसे हो सकता है। शुद्ध का डिफिनेशन आप देखिए ना क्या है,
कि शुद्ध की अगर आप बात कीजिएगा तो वो एक ही प्रकार के तत्व से मिल काम से मिलकर के बना होना चाहिए या एक निश्चित अनुपात में विभिन्न तत्वों के मिलने से बना होना चाहिए। जबकि इसमें दूध में आप देखिए बहुत सारा चीजें मिल जाएगी, अगर मिल जाएगी तो फिर वो आपका शुद्ध नहीं होगा। लेकिन छठ में देखिए तो चीनी आपका शुद्ध है, चीनी आपका शुद्ध है, जल आपका शुद्ध है, ये सब शुद्ध है। अब सुनिए एक चीज और, हम लोग को टेंशन नहीं कि धार्मिक दृष्टि कौन से कौन शुद्ध है कौन शुद्ध नहीं है, हमको मेन टेंशन क्या है साइंस वाला, साइंस के दृष्टि कौन से देखिए आप कौन शुद्ध है और कौन अशुद्ध है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि यौगिक किसको कहेंगे, यानी कि पदार्थ दो तरह का शुद्ध और अशुद्ध, तो शुद्ध भी दो तरह का होगा, एक तत्व होगा ये यौगिक होगा, तत्व किसको कहेंगे, तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के जो बनता है उससे हम लोग तत्व बोलते हैं, जैसे FeCu AgAu ये सब के सब शुद्ध पदार्थ है, मतलब कि शुद्ध पदार्थ में तत्व है। और उसके बाद फिर शुद्ध में कौन आता है, यौगिक आता है, यौगिक किसको कहते हैं, दो या अधिक प्रकार के पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलने से जो प्राप्त होता है उसे यौगिक कहते हैं, जैसे H2O CO2 CO NaCl ये सब के सब आपका क्या है, यौगिक है, ग्लूकोज सब के सब आपका यौगिक। और उसके बाद चलिए अशुद्ध में, अशुद्ध में देखिएगा तो ये भी दो तरह का होता है, एक अशुद्ध में चलिएगा तो एक समांगी मिश्रण होता है, एक विसमांगी मिश्रण होता है। क्योंकि अशुद्ध देखिए पदार्थ को बांटिएगा तो पदार्थ आपका बांटिएगा तो ये आपका हो जाएगा तीन तरह का, एक शुद्ध ठीक है और एक अशुद्ध, शुद्ध देखो पदार्थ को बांटिएगा तो आपका तत्व, तत्व यौगिक और एक मिश्रण होता है ठीक है, मिश्रण तत्व यौगिक मिश्रण, तो ये दोनों आपका शुद्ध है, ये दोनों क्या है शुद्ध है, ये आपका शुद्ध, और जबकि ये आपका कैसा है अशुद्ध है, ये आपका अशुद्ध है। तत्व याद रखियो ये पदार्थ है ठीक है। अब पदार्थ में देखिएगा तीन तरह का, तत्व यौगिक और मिश्रण, तो तत्व यौगिक ये दोनों के दोनों आपका शुद्ध के अंतर्गत आता है, जो कि मिश्रण में आप जाइएगा तो ये अशुद्ध है। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि पदार्थ आपका दो तरह का शुद्ध और अशुद्ध, तो आप शुद्ध तरीका से सुनिए, शुद्ध में आप देखिएगा ना तो शुद्ध में तो हम बता रहे हैं ऐसा कोई भी चीज जो एक ही तरह के पदार्थ सॉरी एक ही तरह के कण से मिलकर करके बना हो, प्लस अगर विभिन्न तरह के कण मिलल भी होगा तो वो आपका निश्चित अनुपात में होगा, निश्चित अनुपात में होगा। अगर अनिश्चित हुआ तो फिर अशुद्ध, जैसे चीनी में पानी मिला दे, याद कीजिए आप जरूरत के अनुसार उसमें पानी मिलाते जाते हो कि नहीं, किसी को अगर ज्यादा मीठा चाहिए तो कम पानी मिलाएगा, ज्यादा चीनी डाल देगा, अगर चाय कोई करो लाग रहा अगर बड़ी मीठा होता तो आप कंसोल करेगा यानी और पानी डालेगा, याद कीजिए कि आपके मर्जी पर चल रहा है, जितना मन है उतना क्या कर सकते हैं मिला सकते हैं, वो आपका अशुद्ध होगी। तो यहाँ पास देखिएगा तो क्या है, ये पदार्थ तत्व यौगिक है और ये मिश्रण, इसमें यही वाला चीज को हमने यहाँ डिफाइन किया था। तो इसमें आप देखिएगा तो एक चीज और याद रखिएगा कि अशुद्ध पदार्थ जो होता है मिश्रण कहलाता है, और मिश्रण भी आपका दो तरह का होता है, यही वाला कमांड हम लोग को ज्यादा रहेगा, याद रखना यही चीज हम लोग को इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है, यही चीज पढ़ना है। जैसे इसमें देखिए अशुद्ध पदार्थ की बात की जाएगा तो आपका समांगी मिश्रण और एक आपका क्या होता है विसमांगी, समांगी और विसमांगी को अच्छा से समझेंगे क्योंकि यही हम लोग को मेन फोकस होगा। देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है तो आप समझिए कि समांगी मिश्रण ये तो कंफर्म है कि अशुद्ध है, लेकिन अशुद्ध भी दो तरह का इसलिए होता है कि कुछ कुछ मिश्रण आप कीजिएगा तो उसका कण एक तरह नहीं मिलेगा अलग, और कुछ मिश्रण ऐसे होते हैं जिसको आप मिला दीजिएगा तो दोबारा अलग हो ही, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग गुण नहीं दर्शाएगा। जैसे आप चीनी को ले लीजिए और पानी को ले लीजिए शरबत, तो चीनी पानी के शरबत में आप कभी भी देखिएगा तो उसका अगर अच्छी तरह से घुला हुआ है तो उसमें हर एक जगह से आप मिठास को चार्ज कीजिए तो आपको एक ही जैसा होता है। ऐसा कभी देखे हो कि जग में एक जग जरबत शरबत घोर दें तो जग में पूरी तरह से भरा हुआ शरबत है और कोई व्यक्ति उसको चाह रहा है कि हम नीचे से पिएंगे छेद करके तो ज्यादा मीठा लगेगा, ऐसा है आप कहीं पास से पीजिए वो का उसका मिठास एक ही जैसा होगा, तो वो आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। लेकिन सत्तू की आप बात कीजिए तो अगर सत्तू की शरबत बना लीजिए और उसको अच्छी तरह से मिला दीजिए, उसके बाद एक मिनट दो मिनट के लिए उसको छोड़ दीजिए और ऊपर से पियाइए किसी को, अगर नाना के दे दिया ऊपर से तो अगले बार से मिठाई लाना बंद, गारंटी। इसलिए ना समझिए इसका कारण होता है कि सत्तू जब आप सत्तू का जब आप शरबत बनाइए, अरे लोल देखो बुढ़ाऊ लोग
चीनी से ज्यादा चॉइस करता है सत्तू का शरबत। तो बताओ सत्तू और चीनी के शरबत में अंतर क्या हुआ कि चीनी के शरबत में चीनी का कण प्रत्येक जगह पे एक समान रूप से फैला हुआ है, और जबकि सत्तू के शरबत में सत्तू प्रत्येक जगह पे एक समान से नहीं फैला है। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है कि एक समान रूप से कण जो होता है वो मिला हुआ रहता है, जबकि विसमांगी रूप में कभी भी एक समान रूप से नहीं मिलेगा। तो इसके अंतर्गत बताओ तो अगर एग्जांपल में अगर हम बोलूं तो बताइए इसका एग्जांपल में क्या आ जाएगा। चीनी पानी का सर्व, ठीक है, बड़ी मार मारेंगे हम एकदम बता दे रहे हैं। पढ़ाई के तो लोग मजाक बना के रख ले, हम पूछते हैं तो कुछ बुझाता नहीं है। आप मार्केट में जाइएगा तो याद कीजिए कि आपको सॉफ्ट ड्रिंक मिल जाएगा गाड़ी पर 5 रुपया के गिलास, वहां पास भी देखिएगा तो वहां आपको वो एक समान रूप से मिला रहता है, वो भी आपका क्या होगा समांगी मिश्रण हो जाएगा। अब बीस समांगी मिश्रण में आप दालमोट को ले लीजिए, मिक्सचर को ले लीजिए, सबके सब आपका क्या होगा बीस समांगी, क्योंकि याद कीजिए कि आपको वो निश्चित नहीं रहता कि जैसे एक रचना के दो को पैकेट लीजिए और दोनों में फाड़ के देखिए क्या दोनों रचना मिक्सचर में बादाम की संख्या सेम रहता है, नहीं रहेगा, कोई कोई में तो बादामों का भी रहता है, तो गाय रहता है तो बताइए कि वो समान रूप से कैसे फैलल है, हो ही नहीं सकता है। नीचे देखोगे ना ऊपर से खा लो नीचे खाली गर्दा मिलेगा, तो समान रूप है तो उसको क्या बोलेंगे, उससे बोला जाएगा बीस समांगी। तो इसके अंतर्गत से क्या क्या आ जाएगा आपका, इसके अंतर्गत में आप देखिएगा तो आपको दाल बना जाएगा सत्तू का शरबत, ये सब के सब आपका क्या होगा बीस समांगी, ठीक है। एक बार फिर से इसको सुनो, एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। देखिए आप पदार्थ किसको कहिएगा, तो पदार्थ जिसका आयतन हो, जो द्रव्यमान कुछ रखता हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, आपका पदार्थ का लगा जैसे कलम हवा पानी। उसके बाद पदार्थ को आप डिवाइड कीजिएगा तो दो तरह का मिलेगा आपको, शुद्ध और एक अशुद्ध मिलेगा, और शुद्ध में आपका चले जाएगा तो ये भी दो तरह का तत्व और होगी, और अशुद्ध में जाइएगा तो आपको ये भी दो तरह का एक समांगी मिश्रण और एक विसमांगी मिश्रण। तो शुद्ध में आप जाइएगा तो शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं, तो शुद्ध पदार्थ में याद रखिएगा कि जो शुद्ध पदार्थ होता है उसका निश्चित गलनांक होता है, निश्चित क्वथनांक होता है, जबकि अशुद्ध में देखिएगा तो अशुद्ध का ना निश्चित गलनांक और निश्चित क्वथनांक नहीं होगा, यानी कि अनिश्चित होगा, अनिश्चित गलनांक तथा क्वथनांक, इस सब के सब आपका क्या होगा अनिश्चित होगा। या जो शुद्ध पदार्थ होगा दो या अधिक तत्व से, तत्व के मिलने से, किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है, जबकि इसकी बात कीजिएगा शुद्ध का, तो शुद्ध का ऐसा नहीं है, वो निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। और इसमें तत्व किसको कहेंगे, तो तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने वाले पदार्थ को तत्व कहा जाता है, जैसे आपका एथी सीयू एजी एयू। और यौगिक की आप बात कीजिएगा तो यौगिक क्या है, यौगिक ऐसे पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिला देने से बनता है। में जो अभी पढ़ रहा है ना लड़का, उसको सब पूछ करके देखना, तुम लोग के साथ तो कहीं पढ़े भी नहीं क्या, उन लोग लड़के को भी पता होगा कि क्या बज रहा था, और तुम लोग समझ में नहीं करता हमारी बात को, मजाक में उड़ा लेता है। एक आध दिन गारंटी मारेंगे, ई बैच में तुम मार देंगे तुम, गारंटी दो तीन लड़का नजर पर चढ़ा हुआ है, और क्लास 10 में भी दो लड़का को देख रहे हैं, जहिना धर आ गया, मूड गर्म हो गया, जहिना हम मारते हैं तो कभी नहीं सोचते कि लड़का दोबारा आवेगा पढ़े, एकदम गारंटी है। इसीलिए आप लोग उतना ही लिमिट क्रॉस कीजिए, उतना ही बदमाशी कीजिए जितना चले, लोग इतना भी मत डराओ कि उसको डर से डर खत्म हो जाए। इसीलिए आप अपनी सीमा में रहिए, आपको अच्छा रहेगा। आप सीमा क्रॉस कीजिएगा तो पाकिस्तान वाला ठोक देगा, इसीलिए आप अपनी हद को पार मत कीजिए, जितना आपके पास कैपेसिटी है उतना ही रहिए। यहाँ आपको कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है कि आप ज्यादा बोलिएगा तो आपको बाबू बोले वाला अवार्ड लीजिए, समझे ना। तो इसीलिए आप अपनी सीमा को भूलिए मत। इसकी अगर हम बात करें बीस समांगी में थे, तो बीस समांगी मिश्रण की बात करेंगे तो क्या है कि बीस समांगी मिश्रण में होता क्या है कि इसमें जो कण होगा, दो या अधिक तरह का जो कण होगा, वो कभी भी एक रूप से मिलवे नहीं करता है, आपको हर एक जगह पे अलग अलग मिलेगा। तो अलग अलग मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे, विसमांगी मिश्रण। जैसे दालमोट का एग्जांपल अभी हम दिए आपको, कि वो दालमोट वाला आपको कहानी आपको पता होना चाहिए कि हर एक तरह का दालमोट में
हर एक तरह का अलग अलग आइटम मिलेगा, तो आपको क्या होता है विश्व मांगी। सत्तू का आप शरबत ले लीजिए, ये सत्तू का शरबत आपको कभी भी एक समान से नहीं मिलेगा, कितनों मिला लीजिए नहीं। इस चैप्टर में देखिएगा तो हमारा जो मेन उद्देश्य होता है ये नहीं है, ये चैप्टर में हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, हम लोग को मुख्य रूप से ये पढ़ना है शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ में या फिर अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण बोला जाता है, तो मिश्रण में समांगी और विसमांगी ये हमारा मेन कंसेप्ट है, ये नहीं, हमारा जो मेन उद्देश्य होता है ये पढ़ाना होता है, और इसको हम शुरू करेंगे तो यहाँ फिर विस्तार से आपको बताया जाएगा। ये आपका कंसेप्ट है पदार्थ, ठीक है, तो इसको आप राइट कीजिए, उसके बाद कुछ नहीं बताएंगे।